मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है। कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की, कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे, कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है, और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।